तो ध्रुव, आप ध्रुव तारे को देखा है? उसे पुणे में दिखाई नहीं देता होगा, या देखने के लिए फुर्सत ही नहीं है, मरने के लिए समय नहीं, तो कहा ध्रुव को कहो कौन देखेगा। लेकिन गांव के लोग या तो उत्तर दिशा में एक ही तारा प्लैनेट उस अपना स्थान कभी नहीं छोड़ता। और सप्तर्षि हम लोग गांव में देखते हैं, हाँ सप्तर्षि यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आया, फिर अब सप्तर्षि का भी एक प्रकार से उदय और मध्यान्ह रात्रि के समय, मध्य रात्रि उसकी, और फिर अस्त, और भी सारे जो मंडल है उस ध्रुव मध्य में, और सब चरंती दक्षिणी कृत्या भ्रमंतः यत् सतारकाः, जैसे भगवान पहले कहे ही थे, उसका प्रदक्षिणा करते सारे प्लैनेट्स। ध्रुव स्थिर, तो जो आर्मी वाले वगैरह जो मिलिट्री मैन, उनको उनका जब ट्रेनिंग शिक्षा होती है तो उनको दिखाया जाता है ये ध्रुव तारा है और ये उत्तर दिशा में होता ही है, तो तुम कभी आंधी तूफान में या रात में या अंधेरे में कहीं खो गए, दिशा भूल, दिशाहीन, कोई पथभ्रष्ट हुए, कोई भ्रमित हो गए, कहाँ जा रहे, कौन सी दिशा है, तो कैसे पता लगवाओगे? आप ढूंढो, पहले क्या ढूंढो, ध्रुव तारे को ढूंढो। ध्रुव तारा किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। तो एक बार एक दिशा निश्चित हो गई तो फिर दक्षिण हो गई, पीछे और दाहिने बाएं, पूर्व पश्चिम, तो हुआ ऐसे उनको भी सिखाया समझाया जाता है।